नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे खुशखबरी को लेकर, बड़ी खुशखबरी के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश जारी कर दिया गया है। सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि दीपावली की आप सभी कहीं ना कहीं आनंद ले रहे होंगे, और जो अभ्यर्थी बेरोजगारी से परेशान हैं उनके लिए उम्मीद है कि दीपावली आखिरी बार ऐसी हो, अगली बार आप सभी के लिए भी इससे ज़्यादा खुशी भरी देखने के लिए मिले। लेकिन इससे पहले अगर बात करें, शासन की ओर से एक नया आदेश जारी किया गया है जो कि संबंधित है एडेड जूनियर विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के शासन आदेश को लेकर, जिसमें उसके माध्यम से जानकारी दी जाती है कि विषयवार रिक्त पदों पर जो भर्ती है वो करवाई जाएगी, जिसकी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से पहले भी दी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 3 नवंबर 2021 को ही शासन आदेश जारी किया गया था, लेकिन जारी आज की तारीख में हुआ है। शिक्षा निदेशक अगर बात करें, बेसिक उत्तर प्रदेश के माध्यम से जारी किया जाता है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। विषय आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों के संबंध में। यहाँ पे आप सभी को अवगत करवाना है कि वर्तमान में प्रदेश के अंदर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधान अध्यापक साथ में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की चयन की कार्यवाही गतिमान है। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जूनियर शिक्षक भर्ती चल रही है 1894 पदों पर, जिसका विज्ञापन जारी हुआ था, उसकी कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया गया है। उसी को लेकर नीचे देखने के लिए मिलेगा कि आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए अध्याचन के बाद परीक्षण उपरांत किए जाने के संबंध में रिक्तियों के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप को लेकर अध्याचन विद्यालयवार, वर्गवार, आरक्षणवार और विषयवार सभी जो जानकारी है वो यहाँ पर देनी होंगी, और उसके बाद में एडेड जूनियर शिक्षकों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो यहाँ से आगे बढ़ा दी जाएगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की विज्ञापन की बात, परीक्षा हो चुकी है, परीक्षा के बाद यहाँ पे आगे की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है, जिसके अंदर पदों की संख्या का ऐलान किया जाएगा कि विद्यालयवार कितने पद हैं, साथ में वर्गवार कितने पद हैं, किस श्रेणी के अंदर कितने वर्ग हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आरक्षणवार, विषयवार, सभी पदों की जानकारियों को देते हुए यहाँ पे कहने की जो डाटा है वो मांग लिया गया है, जिसकी समय सीमा यहाँ पे तय कर दी गई है। संबंधित जो भी डाटा होगा वो इस ईमेल आईडी के माध्यम से भेजा जाएगा। उससे पहले आप जानते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से, जैसे ही सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से डाटा भेजा जाता है, बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की कार्यवाही को समाप्त किया जाएगा। छात्रों को नियुक्ति पत्र, इसके अलावा जो भी पद होंगे उसकी घोषणा की जाएगी, जिसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर आदेश यहाँ से जारी हो गया है। विद्यालयों के अंदर कितने पद खाली हैं, किस विषय में कितने पद हैं, आरक्षण वाइज कितने पद हैं, इसको लेकर यहाँ पर जो मांग है वो की गई है। जैसी कोई अगली अपडेट निकलेगी सबसे पहले आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। सटीक और ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियां सबसे पहले मिलती जाए। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।